हाँ सब रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को अपनी बढ़ाते आगे को, है ना। सो टिल नाउ वी हैव डेल्ट विद सेक्शन, वी स्टार्टेड विद सेक्शन 2 एंड वी हैव रीच्ड अप टू सेक्शन 6। एंड नाउ प्लीज यू नीड टू नोट डाउन फ्यू केस लॉज एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉर दैट पर्पज यू प्लीज राइट डाउन द केस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स। लिखते रहना एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स, बिकॉज इन द केस ऑफ सेक्शन फोर दैट वॉज बाय पोस्ट। बट वॉट इज द रूल रिगार्डिंग इट वेन द एक्सेप्टेंस इज बाय टेलीफोन और टेलेक्स। जब एक्सेप्टेंस कैसे होगी, टेलीफोन से हो, तब क्या रूल होगा, वेदर सेक्शन फोर विल बी एप्लीकेबल और नॉट। सेक्शन फोर इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन इज थ्रू पोस्ट, नॉट थ्रू द टेलीफोन। इन दिस रिगार्ड यू शुड नोट डाउन ए केस लॉ, दैट इज वॉट भगवान दास वर्सेस गिरधारी 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 लाल एंड सन्स एंड कंपनी। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, क्या कहा गया था इस केस में? इस केस में ये बात कही गई थी कि जो प्लेंटिफ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्लेंटिफ इज एट अहमदाबाद, कहां पर है वो? प्लेंटिफ इज एट अहमदाबाद अहमदाबाद जो डिफेंडेंट है ये है खाम गांव। यहां से जो ऑफर हुआ, प्लेंटिफ ने किया ऑफर कैसे किया? टेलीफोन से किया। कहां से किया? अहमदाबाद से किया। डिफेंडेंट ने क्या किया? एक्सेप्टेंस की। कहां से की? खामगांव से की। द क्वेश्चन यहां पर ये था कि व्हेन ही स्पोक द अबाउट द एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस वॉज हर्ड एट अहमदाबाद। समझ रहे हैं बात? जब ऑफर, जब ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको ऑफर किया, आई ऑफर्ड यू समथिंग। सपोज आई ऑफर्ड यू टू सेल माई पेन, यू एक्सेप्टेड दैट ऑफर ऑन टेलीफोन इटसेल्फ। तो जब आप वहां से बोलेंगे मध्य प्रदेश से, तो मैं यहां सुनूंगा, तो दिल्ली में सुनूंगा। और ऑफर कहां से किया गया? दिल्ली से किया गया। एक्सेप्टर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, वहां से उसने एक्सेप्टेंस की। तो क्वेश्चन यहां पर यह था कि एक्सेप्टेंस सुनने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद में हुआ या खामगांव में हुआ? सो इन दिस केस द प्रॉब्लम वॉज दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड आउट एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दैट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड आउट एट द प्लेस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड आउट एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। जहां पर एक्सेप्टेंस को सुना जाता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। एंड दिस इज द केस ऑफ भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बस अब भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल किस पॉइंट पर है? एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स पर है। नाउ कम टू सेकेंड, ऑन द सेम पॉइंट देर इज ए केस लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क्ड। इंग्लिश केस एंटोर्स,
एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन, एंटोर्स के नाम से भी याद रखेंगे, फिल्म से काम हो जाएगा। सिमिलरली व्यू वॉज वट टेकन इन द केस ऑफ एंटोर्स, पर इतना ध्यान रख लीजिए, काम आपका बढ़िया हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, दिस इज द रूल, वेदर इट इज एंटोर्स और इट इज द भगवान दास। नाउ कम टू सेक्शन सेवन। सेक्शन सेवन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड इन दिस रिगार्ड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो द टॉपिक ऑफ काउंटर ऑफर। सेक्शन सेवन सेज व्हाट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इन टू प्रोमिस, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इन टू प्रोमिस यू हैव सीन दिस वॉज सेक्शन टू बी, अगर आप भूल गए हो तो ये याद है आपको, दिस वॉज सेक्शन टू बी, टू बी, ए प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल टू प्रोमिस, सो दिस वॉज द केस, प्रपोजल कन्वर्ट्स इन टू प्रोमिस, प्रोमिस वेन, वेन इट इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस। सेक्शन सेवन सेज कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87, सॉरी सेवन, इट शुड बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। आई होप कि यहां से समझ पा रहे होंगे आप कि जब प्रपोजल को कन्वर्ट करना हो प्रॉमिस में, इट मींस फॉर ए वैलिड प्रॉमिस, दिस इज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इन टू प्रोमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट, कैसी, एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इट शुड नॉट बी कंडीशनल, नॉट कंडीशनल, नॉट कंडीशनल, समझे। अब यहां से समझ लीजिए यहां पे क्या मतलब हुआ इस बात का, इफ आई एम सेइंग विधि इज ऑफरिंग यू ए कोर्स, विधि इज ऑफरिंग टू यू कोर्स फॉर रुपीज 25,000 रुपीज, फाइन, नाउ यू डिड, यू सेड नो, आई विल सब्सक्राइब टू दिस कोर्स ओनली फॉर रुपीज 20,000, सो व्हाट इज द ऑफर, ऑफर इज फॉर 25,000, ऑफर इज फॉर 25,000 एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग 20,000, सो इफ योर नाउ आफ्टर सम टाइम यू से आई एम रेडी टू पे 25,000, तो वेदर द विधि इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 25,000 और नॉट, बिकॉज यू हैव अर्लियरली सेड वर्ड कि यू विल, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ओनली फॉर 20,000, बाय सेइंग सो, बाय सेइंग सो यू हैव मेड ए काउंटर ऑफर, दिस वॉज आई आर ऑफर, योर वॉज काउंटर ऑफर, सो टू माई ऑफर यू सेंट ए काउंटर ऑफर, आपने, हैड यू एक्सेप्टेड माई ऑफर, ओके आई एग्री फॉर दिस, इफ आई एम ऑफरिंग यू सर्टेन थिंग्स, इफ यू वॉन्ट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट इन द सेम टर्म्स एज आई एम सेइंग, 25,000 मीन्स 25,000, इफ यू आर सेइंग नो आई एम रेडी टू पे ओनली फॉर 20,000 रुपीज, इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर। नाउ नाउ ए डिफरेंट ऑफर इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, दिस इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस एंड इफ इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस प्रपोजल विल नॉट कन्वर्ट, प्रपोजल विल नॉट कन्वर्ट इन टू प्रोमिस एट ऑल। सो ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू दिस की लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इन टू प्रोमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका काउंटर ऑफर का,
काउंटर ऑफर, इसी में एक केस लगा हाइट वर्सेस रेंज, हाइट लिख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, विच केस लॉ इज रिलेटेड टू, विच केस लॉ इज रिलेटेड टू हाइट वर्सेस रेंज, हाइट वर्सेस रेंज। इसमें यही बात थी कि उसने कहा कि 1000 पाउंड्स में बेचेंगे, उसने कहा कि 950 में लूंगा, एंड देन ही सेड कि आई एम रेडी टू बाई इट फॉर 1000, बट अगेन ही सेड नो, नो दिस हैज बाय दिस वाज द 950 के लिए, दिस वाज द काउंटर ऑफर। तो इसको मैं समझाता हूँ बस, बाकी बात समझा चुका उसको मैं, कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछेंगे। देखिए अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा इस बार कि किसी को समझ में आया नहीं आया, इससे स्पीड बहुत कम हो जाती है और कोर्स खींचना है मुझे प्रपोजल इनटू कम। इसको करने के लिए आपकी एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आपने एक्सेप्टेंस ऑफर को एक्सेप्ट ना करके अपनी तरफ से क्वालिफाइड ऑफर दिया है, देन जो अर्लियर ऑफर था दैट गोज देन, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर, दिस इज द हाइट वर्सेस रेंज एज वेल। आई बिलीव कि हाँ समझ में आ गया होगा, कुछ पूछना तो पूछाइए जल्दी से। नाउ प्लीज गो टू दिस नेक्स्ट लैंग्वेज, इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इन्हीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, एंड बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस, दीज आर द सेक्शन सेवन, सेक्शन सेवन बेसिकली, सेक्शन सेवन बेसिकली सेज व्हाट, सेक्शन सेवन सेज व्हाट, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस, इट इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन सेवन। सेक्शन सेवन सेज कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, इन अदर वर्ड्स व्हेन कैन बी सेड दैट एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एवरी एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, ध्यान रखना इस बात को। तो इसके लिए उन्होंने कहा पहली बात की, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एंड सेकेंड इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। सो एज पर सेक्शन सेवन देर आर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस, नंबर वन इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, एंड सेकेंडली इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, बस दो बातें हो गई। अनलेस, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, अनलेस प्रपोजल इन विच इट इज टू, अनलेस प्रपोजल इन विच इट इज टू बी प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच मैनर इट इज टू बी एक्सेप्टेड, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर, इन्होंने ऊपर कर दिया इसको, अनलेस द प्रपोजर जो है प्रपोजल में उसमें ही लिखा हो कि आपको ये एक्सेप्टेंस किस तरीके से देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ यू वॉन्ट टू परचेज माई प्लॉट, इफ यू वॉन्ट टू परचेज माई प्लॉट प्लीज डिपोजिट सो मच सो रुपीज, सो मच सो मनी इन दी बैंक अकाउंट फर्स्ट, यू मस्ट यू विल यू विल हैव टू गिव सम मनी इन एडवांस, तो दिस इज द मैनर अगेन यू विल हैव टू एक्ट लाइक दिस। सपोज डी हो सकता है कि आपको रिटर्न में ही करनी पड़ेगी, इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट इन रिटर्न। तो समटाइम्स विद इन द प्रपोजल, प्रपोजल देखिए कैसे, ऐसे प्रपोजल प्रस्क्राइब्स अ मैनर, समटाइम्स प्रपोजल प्रस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। तो यहां पर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ कि इट शुड बी एक्सेप्टेड ओनली इन रिटर्न फॉर्मेट, देन क्या होगा, इन दैट केस एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर ओनली, समझे आप, समझिए बात को, मैं समझाता हूं उसको। देखिए आम भाषा में समझ लीजिए, इसके लैंग्वेज पे मैं पढ़ाता हूं आपको, कि एक तो है कि प्रपोजल में कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है, देन द फॉर्मूला इज व्हाट, इट शुड बी इन द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ये हुआ। सेकंड क्या है कि प्रपोजल में ही प्रिस्क्राइब कर दिया गया है मैनर, प्रपोजल में ही एक्सेप्टेंस को बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। इन दैट केस
इन दैट केस द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन दैट मैनर एज वेल, जैसे कि उस प्रपोजल में कहा गया है। लेकिन अगर ऐसा हो, देखिए क्या, इफ दी प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स ए मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स ए मैनर, प्रपोजल में ही मैनर बता दिया गया कि किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है। सपोज उन्होंने कहा कि इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्मेट, कि एक्सेप्टेंस को रिटर्न में होना चाहिए, बट एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, तब क्या होगा? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार आया है। फॉर एग्जाम्पल अरशान मियाँ को, अरशान मियाँ ने क्या लिख डाला? हाँ, अरशान मियाँ के निकाह का प्रस्ताव गया हुआ है। अरशान मियाँ का निकाह का प्रस्ताव गया नूरजहां के लिए, और ये कहा है कि अगर तुम्हें ये कबूल हो तो रिटर्न में भेजना, रिटर्न में भेजना। लेकिन नूरजहां के अब्बा हुजूर ने रिटर्न में सहमति ना भेज करके टेलीफोन से कह दिया कि जनाब हमें आपके नवाब जादे के साथ निकाह करवाना, अपनी बिटिया का निकाह करवाना कबूल है। अब यहां पर एक्सेप्टेंस तो आ गई है, लेकिन उस तरीके से नहीं आई जैसे कि प्रपोजल में कहा गया था कि राइटिंग में दिख के देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उस एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाए? उस रेफरेंस में सेक्शन 7 सेज कि इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन दैट केस एक्सेप्टेंस डज नॉट बिकम इनवैलिड, एक्सेप्टेंस इज नॉट इनवैलिड, व्हाट इज द रिमेडी? द प्रपोजर में विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ही कैन इंसिस्ट दैट प्रपोजर कैन से इट मीन्स अरशान अब्बा हुजूर ऑफ अरशान कैन से दैट नो मिस्टर इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट आर मैरिज प्रपोजल यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट इन द मैनर वी हैव इंसिस्टेड, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इन द रिटन फॉर्मेट। तो यहां पर उन्होंने अगर रिटर्न में नहीं की थी एक्सेप्टेंस तो एक्सेप्टेंस इनवैलिड नहीं हो गई। वे आउट क्या है कि यू विल हैव टू प्रपोजर विद इन द रीजनेबल टाइम, विद इन द रीजनेबल टाइम यू विल हैव टू इंसिस्ट दैट नो नो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट बाय दैट वे। बट इफ यू फेल टू दैट इट मीन्स ही एक्सेप्ट दी एक्सेप्टेंस, ये माना जाएगा कि आपने उस एक्सेप्टेंस को वैसे ही समझ लिया है। मीन्स अरशान मियां ने कानों पड़ गई बात कि निकाह कबूल हो गया है, और इन्होंने फिर ये इंसिस्ट नहीं किया कि राइटिंग में ही एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर दैट एक्सेप्टेंस शैल बी ए वैलिड एक्सेप्टेंस, एंड जस्ट बिकॉज इट इज नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इट विल नॉट लूज इट्स वैलिडिटी एंड इट विल बी ए गुड कॉन्ट्रैक्ट इन द आई ऑफ लॉ। लेट मी नो अगर बात समझ में आई नहीं है आपको। सेक्शन 7 में यही बात है बस, सेक्शन 7(1) एंड सेक्शन 7(2). नाउ कम टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। व्हाट इज सेक्शन 8? अभी चौधरी जी का प्रश्न यह है कि सर अगर विद इन रीजनेबल टाइम नहीं होता तो यहां प्रपोजर बाउंड क्यों है मानने के लिए? बिकॉज दिस इज ए सब्सटेंटिव लॉ प्रोविजन, दिस इज ए, मैडम ने कहा है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड, अभी चौधरी, द क्वेश्चन ऑफ अभी चौधरी इज दैट व्हाई व्हाई प्रपोजर इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट एक्सेप्टेंस। सी दिस इज ए सब्सटेंटिव लॉ कॉन्ट्रैक्ट, यू इट दिस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव ऑप्शन टू इंसिस्ट। सो इफ यू आर फेलिंग टू इंसिस्ट, इफ यू आर फेलिंग टू इंसिस्ट अपॉन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाई यू। यू हैव ए चॉइस, यू आर नॉट एज ए प्रपोजर यू आर नॉट बींग बाउंड, आपको बाउंड नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एट की नहीं, इन वट एवर मैनर ही हैज एक्सेप्टेड यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। नो दिस इज नॉट द केस। सेक्शन 7 सेज इफ यू हैव प्रिस्क्राइब्ड ए मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट इन दैट मैनर यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट।
यू मे रिजेक्ट इट बट यू विल हैव टू से सो, यू विल हैव टू से सो, आइदर इधर यू यू एक्सेप्ट इन द प्रिस्क्राइब मैनर और इट शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड. बट इफ यू डोंट इंसिस्ट फॉर दैट, इफ यू डोंट इंसिस्ट फॉर दैट, इफ यू फेल्स टू डू सो, मीन्स इफ यू फेल टू इंसिस्ट ऑन द प्रिस्क्राइब मैनर, इट शैल बी डीम्ड दैट यू हैव एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस. दिस इज द लॉ. आई होप कि अभी चौधरी इट इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ कम टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल. परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल. वॉट इज दिस? सी इन केस ऑफ सेक्शन थ्री, इन सेक्शन थ्री वी हैव रेड वॉट एक्सेप्टेंस मे बी कम्युनिकेटेड, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन मे बी कम्युनिकेटेड बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट और विच हैज द इफेक्ट ऑफ दिस. सेक्शन एट सेज दैट समटाइम्स यू कैन एक्सेप्ट इवन बाय द कंडक्ट. हाउ दैट? इफ यू आर परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल. एंड सपोज प्रपोजल आलिया भट्ट ने ये प्रपोजल दिया था मिस्टर अरुण को कि मेरे डॉग को ढूंढ के लाइए आप. सो नाउ हेयर इफ यू आर परफॉर्मिंग द कंडीशंस, यू आर सर्चिंग दैट डॉग, तो यू आर परफॉर्मिंग ऑन द कंडीशन ऑफ प्रपोजल, दैट विल अमाउंट टू दी एक्सेप्टेंस. इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू विल हैव टू से ओ आई एक्सेप्ट योर ऑफर. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल इट शैल बी डीम टू बी दी एक्सेप्टेंस. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कम टू सेक्शन 9, प्रोमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. फ्रॉम हेयर यू कैन सी द क्वेश्चन इन यूर प्लिम्स. हाउ दिस? से दिस, यू विल सी द क्वेश्चन प्लिम्स फ्रॉम हेयर. Insofar the proposal or acceptance of any promise is made in words, this is very important. Very important. The promise is expressed. When the proposal or acceptance is made in the words, जब ये शब्दों में बयां होगा तो इसको हम express कहेंगे, promise कहेंगे. If insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the words में शब्दों में बयां हो ऑफर या एक्सेप्टेंस, देन प्रोमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस. प्रोमिस एक्सप्रेस कहलाएगा. समझे? हाँ ना. एंड इफ सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, देन प्रोमिस इज कॉल्ड इंप्लाइड. सो यू विल हैव टू सी वर्ड्स वेन इट इज एक्सप्रेस इन वर्ड्स इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस प्रोमिस. Otherwise, then in words, then it is called implied. So here, section 9 deals with what? Express promise or implied promise. Express promise means when it expressed in words. It may be written, it may be verbal. And it is what? Otherwise than in words. In keywords ko dhyan rakhna, kaam ho jayega aapka. Otherwise. So this is 7, 8, 9.